दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच मोहाली में खेले गए दूसरे T20 मैच में बेशक भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल कर लिया, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को लेकर काफी हो हल्ला मचाया जा रहा है। ऋषभ पंत के बारे में कहा तो ये भी जा रहा है कि अब उन्हें भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि ऋषभ पंत एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन लगातार दमदार प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के विकल्प के तौर पर भारतीय टीम को ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज की तलाश है जिसे विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी में महारत हासिल हो, लेकिन लगातार मौके मिलने के बावजूद युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अभी तक अपने आप को साबित करने में नाकाम रहे हैं। मोहाली में खेले गए दूसरे T20 में ऋषभ पंत मात्र 4 रन बनाकर सस्ते में विकेट गंवा बैठे, जबकि IPL समेत घरेलू क्रिकेट में ऋषभ पंत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। ऋषभ पंत की लगातार नाकामियों के बाद अब युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और संजू सैमसन को भारतीय टीम में शामिल करने की मांग उठने लगी है, लेकिन कई पूर्व क्रिकेटरों समेत भारतीय फैंस का मानना है कि ऋषभ पंत को अभी कुछ और मौके मिलने चाहिए। ऋषभ पंत के कुछ फैंस का तो यहां तक कहना है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 22 सितंबर को खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी T20 मैच में ऋषभ पंत मात्र 20 गेंद पर शतक बना सकते हैं। हालांकि ये मुश्किल जरूर है, लेकिन ऋषभ पंत का बल्ला चल गया तो उनके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन नहीं है।